ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जर जोरू जमीन, ये तीन ऐसी चीज है जो इंसान को तबाह कर देती है। पर भाई साहब, केवल इंसान ही नहीं बल्कि ये चीजें तो जानवर तक का दिमाग खराब कर देती हैं। तभी तो ये जानवर आपस में ही कभी जोरू यानी कि फीमेल्स के लिए, तो कभी जमीन यानी कि अपनी टेरिटरी के लिए अपने ही भाई बंधुओं को मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं हटते। और हमारे आज की वीडियो में आपको इस चीज को देखने का भरपूर मौका मिलेगा, जिसमें कहीं सीधे साधे से दिखने वाले पेंगुइन आपस में लड़े जा रहे हैं, तो कहीं मधुमक्खियां शेर की हालत खराब करने में लगी है। और भाई साहब, लास्ट में जो शानदार चीज देखने को मिलेगी ना, कि क्या ही बताएं। बस वीडियो में इसी तरह बने रहना। फाइट ऑफ टाइगर्स। दोस्तों, जंगल सफारी के दौरान जानवर दिख जाए तब तो मजा आता है, लेकिन जब दो जानवर आपस में लड़ते दिख जाएं तब तो पूछे ही मत। यह हैरतअंगेज नजारा भारत के राजस्थान में बने नेशनल पार्क ऑफ रणथंबोर का है। ये दोनों फीमेल टाइगर आपस में लड़ाई कर रही हैं, और इनकी लड़ाई की वजह कुछ और नहीं बल्कि टेरिटरी है, जिसके चक्कर में दोनों हत्या करने को भी तैयार हैं। ये नजारा इतना दिल को दहला देने वाला था कि शुरुआत में तो वीडियो बनाने वाले शख्स की हालत ही खराब हो गई, पर फिर बाद में उसे यह एहसास हुआ कि जिस तरह हम इंसान रोटी कपड़ा और मकान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक उसी तरह ये जानवर अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एलिफेंट वर्सेस राइनो। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में शूट की गई इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेर तो सिर्फ नाम का राजा है, असली भौकाल तो हाथी का होता है। तभी तो जब ये राइनो हाथी के इलाके में घास खा रहा था, उतने में दो हाथियों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनमें से एक ने तो इसे डराने के लिए छड़ी भी उठा ली और इसकी तरफ बढ़ने लगे। अब इन हाथियों को देखकर राइनो भी डर गया, इसने अपना कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए, पर न जाने इसे क्या सूझी कि ये इन दो हाथियों से पंगा लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब हाथियों को तो ये पता था कि वो इसका कचुंबर बना देंगे, पर फिर भी उन्होंने इसे एक चांस दिया और अपनी सूंड में लटकाए हुए लकड़ी गुस्से से फेंक दी, जिसे देख इस राइनो की इतनी हालत खराब हो गई कि इसने यहां से 9-2-11 होने में अपनी भलाई समझी। लायन वर्सेस ज़ेब्रा। अब जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि शेर जंगल का राजा है और कभी भी किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, वो लोग जरा आंखें खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जब अपने शिकार की तलाश में ये शेरनी ज़ेब्रा के पास गई तो उसने उसकी गर्दन पर वार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से ज़ेब्रा ने शेर को झटका देना शुरू कर दिया और अपने पैरों की मदद से बार बार किक करके शेरनी को साइड करना शुरू कर दिया और फिर घसीटते हुए सड़क के उस पार ले गया, जिसके बाद ज़ेब्रा ने एक पलटी मारी और शेरनी को जमीन पर गिराकर वे वहां से रफो चक्कर हो गया। अब ज़ेब्रा की समझदारी और ताकत को देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हर बार दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। स्नेक फाइट। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले बंदे के तो हम वाकई में दाद देंगे, क्योंकि जहां एक सांप को देखकर इंसान को अपनी नानी याद आ जाती है, वहीं ये जनाब दो सांपों को आपस में लड़ते हुए देखकर न सिर्फ उसका आनंद उठा रहे हैं बल्कि झाड़ियों के बीच छिपकर इसे रिकॉर्ड करने में भी लगे हैं। आप खुद ही देखिए कैसे ये दोनों सांप आपस में लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाई की वजह शिकार या फिर टेरिटरी नहीं है बल्कि ये दोनों महाशय लड़की यानी फीमेल स्नेक के चक्कर में एक दूसरे की मौत के दुश्मन बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मेंटिंग सीजन में सांपों का फीमेल्स के लिए इस तरह लड़ना बहुत ही नॉर्मल चीज है, हालांकि इनकी लड़ाई कभी कभी कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है और कभी कभी ये कई दिनों तक एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं। वैसे जब हम सांपों के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एनाकोंडा और इनलैंड ताइपन में से कौन सा सबसे जहरीला सांप है? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें। पेंगुइन फाइट। वैसे केवल सांप ही अकेले फीमेल्स के लिए नहीं लड़ते बल्कि क्यूट से दिखने वाले पेंगुइन भी इस मामले में पिघल जाते हैं। तभी तो साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के पीछे लगा पड़ा है ताकि वो इसे अपना बना ले। पर ये अकेला नहीं है जो ये चाहता है, आसपास मौजूद जितने भी मेल पेंगुइन है वो यही चाहते हैं कि ये फीमेल पेंगुइन उन्हें अपना ले, जिसके चक्कर में जब ये पेंगुइन ऊपर जाता है तो दूसरे पेंगुइन इसे धकेल कर नीचे ले आता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर शुरुआत से ही फीमेल का पीछा करने वाला हमारा ये हीरो इस लड़ाई में जीत जाता है और अंत में इन जनाब को अपनी प्रेमिका मिल जाती है। जगुआर वर्सेस कैमन। ये नजारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट का है, जहां ये भूखा जगुआर बिना एक भी आवाज के आगे बढ़ रहा है ताकि इसे अपना शिकार मिल सके।
जिसके चक्कर में पहले तो ये चुपचाप जाकर नदी के किनारे बैठ जाता है और जैसे ही इसे पानी के ऊपर से तैरता हुआ मगरमच्छ दिखाई देता है, ये बिना एक पल की देरी के तुरंत पानी में छलांग लगा देता है। और फिर हम देखते हैं ये शानदार शिकारी मात्र कुछ ही सेकंड्स में अपने शिकार को मुंह के बल दबोच कर ऊपर ले आता है, जिससे साफ है कि जब शिकारी भूखा होता है तो उसे शिकार करने में और भी ज्यादा मजा आता है। तभी तो इस मगरमच्छ को पकड़ने में इसे ना ही ज्यादा समय लगा और ना ही इसके शरीर में ज्यादा चोटें आई, वरना तो इस तरह की मुठभेड़ में अक्सर दोनों ही जानवरों को गंभीर चोटें आती हैं। ब्राउन बेयर फाइट। आपने इंसानों के बीच होने वाले बॉक्सिंग मैच तो बहुत बार देखे होंगे, अब बारी है इन जानवरों की। जी हाँ, आप जिन्हें आपस में बॉक्सिंग करते हुए देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दो ब्राउन बेयर हैं, जो एक दूसरे पर बिना रहम खाए लड़ाई करने में जुटे हैं। और इनके लड़ाई की वजह भी वही है जिसके पीछे अक्सर जानवर अपने साथी जानवरों को भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, आपने सही समझा, ये दोनों मेंटिंग सीजन में फीमेल के लिए लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई इतनी खतरनाक है कि ये लगातार एक दूसरे को काटने में लगे हैं, जिससे ये तो साफ है कि जो भी फीमेल भालू होगी वो बिल्कुल हीरोइन की तरह आइटम लगती होगी, वरना दो भालू इतने बुरे तरीके से तो ना लड़ते। क्यों दोस्तों, सही कहा हमने। लायन वर्सेस बी। दोस्तों यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे ये शेर बैठकर आराम कर रहे हैं और बस सोने की तैयारी में है। जहां सभी की आंखों में नींद छाने लगी है, उतने में ही जंगल के राजा शेर और उसके साथियों की नींद भंग करने कोई और नहीं बल्कि मधुमक्खियां पहुंच जाती है। असल में दोस्तों, अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ मधुमक्खियां काफी शैतान किस्म की होती हैं, जो जंगल के राजा शेर तक को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए जब एक एक करके इन मधुमक्खियों ने शेरों के पूरे झुंड को परेशान करना शुरू किया, तो इन शेरों ने भी हार नहीं मानी और इन्हें अपना भोजन बनाने लगे। पर जैसे जैसे ये इनको मारते, मधुमक्खियों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ने लगी और आप देख ही सकते हैं कि मधुमक्खियों ने किस तरह इन्हें परेशान करके रख दिया था, जहां ये सोना तो दूर ढंग से आराम भी नहीं कर पा रहे थे। इसी के चक्कर में थक हार कर अंत में शेरों ने इस इलाके से भाग निकलने में अपनी भलाई समझी। जिराफ फाइट। दोस्तों जहां पर दो जिराफ बहुत ही शांति से खड़े हैं, जिन्हें देखकर कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हो रही, यहां तक ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों साथ में इस जगह पर घास खाने आए हैं। पर तभी अचानक से न जाने क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठते हैं, जिसमें ये दोनों लगातार अपनी गर्दन को घुमाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही लड़ने के बाद ये शांत हो जाते हैं और फिर वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें से एक को इतनी चोट आ जाती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। असल में दोस्तों, इन दोनों की पहले से ही फीमेल को लेकर लड़ाई चल रही थी, पर घास खाने के दौरान इन्हें अपनी वो लड़ाई वापस याद आ गई, जिसके चक्कर में इन लोगों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। कंगारू फाइट। अब कंगारुओं को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का है, पर हम आपको बता दें, जब एक शख्स इन सभी कंगारुओं को आपस में खेलता हुआ रिकॉर्ड कर रहा था, उतने में इस छोटे कंगारू के हाथ में लकड़ी देखकर पीछे से एक बड़ा कंगारू चला आया, जो पहले तो इसकी पूंछ हिलाता है और फिर इसके सिर के ऊपर गर्दन करके खड़ा हो जाता है, और ये सब होते हुए पीछे खड़ा दूसरा कंगारू देख रहा होता है, जो तुरंत वहां पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो कंगारू छोटे वाले कंगारू के साथ कुछ करता, उससे पहले इस दूसरे कंगारू ने इसे रोक लिया, और फिर क्या था, ये छोटे मियां तो यहां से निकल लिए, लेकिन ये दोनों आपस में भिड़ गए, जहां ये थोड़ी देर कैमरे पर नजर डालते हैं और फिर वापस से लड़ाई करने में जुट जाते हैं। इनकी ये लड़ाई देखते ही देखते इतनी खतरनाक हो गई कि इनमें से एक ने तो जैकी चैन की तरह दूसरे को एक लात खींच के मारी और आपस में लगातार लड़ते रहे, जिसकी वजह से इनकी ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो गई और ये दोनों स्टार बन गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।